हे हेलो एवरीवन, इट्स विनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनी का जहां। तो गाइस ये है आज की अफ्तारी। आज हमने पानी पूरी बनाई है, पानी भी ठंडा कर लाए हैं, पकौड़ी चना और पानी पूरी का मसाला संतरे। और तुमने हमें बताया ही नहीं कहाँ है, हम जब से पूछ रहे थे पानी पूरी का पानी। और यहाँ फ्राइम्स हैं और यहाँ मम्मी ने चूरमा बनाया है और तरबूज है आज फ्रूट्स में, संतरा और तरबूज, और साथ में इफ्तारी में मोबाइल भी इफ्तारी में मोबाइल है। आ जाइए आप सब लोग, आप सब लोगों को भी ये मोबाइल मिलेगा इफ्तारी में। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ खजूर है, खजूर तो हम दिखाना ही भूल गए। तो चलिए अभी हम लोग बैठ गए हैं दुआ करने, तो बस अभी हम दुआ कर रहे हैं, दुआ कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद और जो भी कुछ होगा पढ़ने का वो पढ़ने के बाद। तो इधर बैठे हैं पापा भी। पापा आप इधर कब आओगे? अभी आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद पापा इधर आ जाएंगे हमारे पास में, तो फिर हम इफ्तार करेंगे। अभी हम दुआ कर चलते हैं, अभी ईद का चांद देखने और नमाज भी ले चलते हैं, ऊपर ही नमाज वो कर लेंगे। दिखा क्या दिखा दिखा, इधर ही था। किधर था? क्या पता इधर ही था कहीं। आयशा कह रही है बाद में चल गया। तो गाइस कहीं नहीं दिख रहा। गाइस कहीं नहीं दिख रहा ईद का चांद। छुप गया, देर हो गई, बादल हो गए, देर हो गई और हमें काफी देर हो गई, तो हमें अभी तक दिख नहीं पाया चांद। अब पता नहीं दिखेगा कि नहीं। ईद का चांद तो देखना है गाइस, ईद का चांद तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्या हमने पूरे महीने रोजे रखे तो हमें ईद का चांद नहीं देखने को मिलेगा क्या? अल्लाह पाक, मिलेगा मिलेगा, होप सो मिलेगा। इधर या इधर? नहीं दिखाया, ईद मिल लेते मम्मी, ईद मुबारक आपको भी, अल्लाह पाक सारी खुशी करे, ईद मुबारक हमारी YouTube फैमिली को भी। हाँ, आपको भी सबको ईद मुबारक हो, ईद का चांद मुबारक हो आपको। तो गाइस चांद हम देखने आए थे लेकिन हमें चांद नहीं दिखा, हम काफी लेट हो गए थे आने में, बस अभी खाने में मशगूल हो रहा था। तो रौनकें तो लग जाती हैं, सब जगह पटाखे वगैरह चल रहे हैं। और देखिए पहले तो मानी शाम दिखता, अब नहीं चल रहा है तो ये नहीं गोला चलता, वो अभी भी सायरन जैसा चला तो था, सायरन चलता पहले गोला चलता, पहले भी लोग गोला चल गया, चांद दिख गया। अब वो तो दिखना ही था चांद तो, खैर सभी लोग पटाखे वगैरह चलाने लग गए हैं, सब हो गया, रौनकें लग गई ईद की, लेकिन रमजान चला गया। वही मस्जिद देखो, मस्जिद तो खैर सारे रमजान से ऐसे ही डेकोरेट है, पूरे रमजान हो गए, लेकिन रमजान चले गए गाइस। अब कल से नो रोजा, लेकिन हाँ परसों से रोजे हैं, मतलब 6 ससा ईद के रोजे होते हैं। अगर आप लोग में से कोई रखना चाहे तो रख लेना, लास्ट ईयर मम्मा ने रखे थे तब आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप पहले बता देते हैं तो हम लोग भी रखते हैं, इसलिए अगर कोई रखना चाहे तो रख लेना ससा ईद के रोजे। हो गया यहाँ भी पी लो, दिखाना ऐसे ही रह जाता है, इतना इतना ही जाता है मेरा लो जब जाता है।
और आज तो पूरे दिन से हालत ख़राब है, तो बीपी तो लो होना ही था। अब चांद रात है आज की, करना तो थी ये सफाइयाँ और हम तो पड़ गए हैं यहाँ बेड पे। देखते हैं अभी थोड़ी मम्मा इलेक्ट्रोल ले आई है तो वो पीते हैं और उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा तब उठेंगे। रात का 1 बज गया है और मैंने लगा ली है मेहंदी कुछ इस तरह से, बस सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत मिनिमल सा था, मतलब मुझे सिंपल ही लगाना था जिसमें से मेरा हाथ पूरा दिखे। तो देखिए मतलब भरा हुआ भी लग रहा है और सिंपल भी लग रहा है, तो ये मैंने मेहंदी लगा ली। और अभी ना मैं मेरी सिस्टर के भी लगाने जा रही हूँ, तो अभी देखते हैं बस उसको मेहंदी लगाते हैं और फिर सोएंगे। 1:30 तो बज ही गया है, 2 बज जाएंगे आज तो शायद सोते सोते, फिर अभी तहज्जुद के लिए उठना पड़ेगा, देखेंगे तहज्जुद पढ़ के सो जाएंगे फिर। तो फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। मीट मार्केट आज कल मतलब ईद के दिन मीट बनता है ना, तो वो लेने हैं, तो देखिए कितना रश है। बस यहाँ पर होने लगी है ईद की फातिहा, मतलब इस बार तो ना ही सफाई हुई थी ना हम रेडी हो पाए थे, मतलब तैयार भी नहीं हुए थे, सफाई भी नहीं हुई थी, बस झाड़ू पोंछा हुआ था और फातिहा हो गई थी। हाँ अब मैंने ना ये ट्रिक से मेहंदी लगा रखी है और पापा रेडी हो गए नमाज के लिए जाने को। पापा कितनी देर में चलेंगे? और मैं भी यहाँ हूँ, जो मैं अभी बहुत बुरी कंडीशन में हूँ, मैं बिल्कुल भी बस उठ के और मैं ना ये मेहंदी लगाने बैठ गई, पता नहीं क्यों, रात में भी लगाई और अभी भी। और इधर देखिए मम्मी के भी, मम्मी दिखाओ ये मैंने लगाई है और पीछे पीछे भुट्टो ने लगाई है। गाइस अभी हम जा रहे हैं ईद का, पापा को छोड़ कर आते हैं जल्दी से। और पापा कितने बजे की है नमाज? कितने बार पूछे? और गाइस ऐसे ही जा रहे हैं अमीर। अभी जब मैं गई थी ना सोया तभी मैं ऐसे। यहाँ हो गई है सफाई, देखिए ये सारा मैंने कुछ साफ कर दिया है, बस कारपेट डालना रहता है। तो मैं अभी जा रही हूँ पापा को लेने, तो ये कारपेट वगैरह मम्मी डाल देंगी, नहीं तो मैं लौट के आके डाल दूँगी, क्योंकि नमाज को 1 घंटा हो गया है, 8:30 का टाइम था, 9:30 हो गया, तो मैं जाके पापा को लेके आती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ जल्दी से। गाइज मैं यहाँ पापा का वेट कर रही हूँ लेकिन पापा मुझे कहीं नहीं दिख रहे, इतने सारे लोग निकल रहे हैं लेकिन पापा नहीं निकल गया है अब तक। मैंने कपड़े पहन लिए हैं, जो मेरे ईद के कपड़े हैं ना मैंने वो पहन लिए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ मम्मा पापा से मिलने। तो एक्चुअली ना वहाँ टीवी चल रही है तो मैं शायद ही कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन चलते हैं। तो गाइस मैं आ गई मम्मी पापा के पास ईद मिलने, तो ये रहे मेरे पापा, ईद की नमाज पढ़े आए और पापा दे रहे हैं मुझे ईद। और अभी कुछ खा लेते हैं फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। जरा ले तेरी दी। तो जो है वो दे दिया, उसमें हंसने वाली क्या बात है? ईद मुबारक। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंस क्यों रही है? दुपट्टा डाल लेती तो और अच्छी आती, दुपट्टा तो वहाँ पड़ा होगा। अच्छा तो गाइज अभी ना मैंने इसको ईदी दे दी, क्योंकि
उसकी एक ही तो बड़ी बहन है बेचारी की, तो या ये कहो मेरी एक ही तो छोटी बहन है, तो उसको ईदी देना बनता है। अब जितने थे उतने दे दिए, कम ही थे कोई बात नहीं, कम दे दिए, ईदी तो दे दी ना, देने की नियत थी दे दी बस। तो अभी ना हम कम्प्लीटली रेडी हो गए और खाला के पास हो भी आए हम, खाला मेरी पास में ही रहती है तो हम उनके घर भी हो आए, और अभी देखते हैं अभी हम किसी किसी के घर जाते हैं। आज हम सबसे ईद मिलने जाते हैं, बहुत टाइम से नहीं गए हम कहीं किसी के घर ईद वगैरह मिलने, तो आज सोच रहे हैं कि आज मिलकर आते हैं, तो देखते हैं चलते हैं भाभी के घर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो आराम चल रहा है, आराम चल रहा था, तो अभी हम ईद मिल लेते हैं। तो यहाँ मिलाप हो रहा है, ईद मिल रहा है। बिल्कुल हम शाम के टाइम भाभी के घर आ पाए, सुबह से सोच रहे थे लेकिन दिन में इतनी तेज धूप थी कि हम आए नहीं, हम अब आए। तो भाभी ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक। तो चलिए अभी हम बातें कर लेते हैं खूब सारी, उसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे। तो गाइस ये मेरा भतीजा है, इतना बड़ा देखो, कितना बड़ा भतीजा है। हाँ इसकी शादी का ब्लॉग मैं भी देखती रहती हूँ, उसकी शादी के सारे ब्लॉग्स डले, जिसने नहीं देखे वो जाके मेरा चैनल चेक कर लो। तूने देखे कि नहीं देखे? बन रही है। तूने देखे कि नहीं देखे ये बता, ये क्या होता है? 2-3 मिलियन हो जाएंगे तब। 2-3 मिलियन तो बढ़वाओ ना, शेयर करो। 2-3 मिलियन नहीं तो देखो मत, शेयर करो ना, शेयर करवाओ। देख 7800 तो हो गए, 7.8K हो गए, 7.8K सब्सक्राइबर्स हो गए। 10K करा दो जल्दी से जल्दी, करा दे 10K तो करा दे 10,000। तो गाइस गाइस ये भी आ गई है। पर ले क्यों आई, हम तो खाते नहीं।